जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले में शहीद उत्तराखंड के पांचों जवानों का पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गजों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एयरपोर्ट से शहीदों के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान भेज दिया गया। कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले में 5 उत्तराखंड के लाल शहीद हो गए, जिनमें नायब सूबेदार आनंद सिंह, हेड कांस्टेबल कमल सिंह, राइफलमैन अनुप सिंह, नायक विनोद कुमार और राइफलमैन आदर्श नेगी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांचों शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वो वीर जवानों के बलिदान को याद कर भावुक नजर आए। वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है, लेकिन हमारे पांचों जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा, आतंकवाद का सफाया होगा। उत्तराखंड में बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का मंगलवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। विधायक के भाई और उत्तराखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा ने इसकी पुष्टि की है। विधायक शैला रानी 2 दिन से मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बाद हुई सर्जरी के बाद से वो उभर नहीं पाई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शैला रानी रावत गिर गई थीं, जिससे उन्हें आंतरिक चोट आई थी। चोट से मांस फटने के कारण उन्हें कैंसर भी हो गया था। करीब 3 साल तक चले इलाज के बाद वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटी और फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई। कुछ महीने पहले ही ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। परिजनों द्वारा उन्हें हायर सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। 2 दिन से वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। इसी बीच ये दुखद खबर सामने आई कि उनका निधन हो गया। विधायक शैला रानी रावत के निधन से केदारनाथ विधानसभा समेत बीजेपी और पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बनबसा, टनकपुर, खटीमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण और प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री गणेश जोशी और सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। निरीक्षण करते हुए सीएम धामी ने कहा कि भारी बारिश से प्रदेश के तराई क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारी सरकार पूरी तरह से बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है। आपदा के बाद जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए प्रभावित क्षेत्रों में दवा का छिड़काव करने के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मानसून काल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आपातकाल में तत्काल राहत देने के लिए आज देहरादून से हेलीकॉप्टर पिथौरागढ़ पहुंचेगा। हेलीकॉप्टर के संचालन के लिए पिथौरागढ़ में स्टाफ पहले ही पहुंच गया है। डीएम रीना जोशी ने बताया कि मानसून काल के दौरान पिथौरागढ़ में हेली की आवश्यकता रहती है, इसलिए सरकार से हेली की डिमांड की गई थी। शासन की ओर से हर साल मानसून काल में जिले को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाता है। इससे सीमांत धारचूला मुनस्यारी क्षेत्रों में आपदा की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाने में सहायता मिलती है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। सभी मतदान केंद्रों तक पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुक्ता मिश्र और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास ने मीडिया को जानकारी दी। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुक्ता मिश्र ने बताया कि उपचुनाव में सकुशल मतदान सम्पन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों ने कमर कस ली है। उत्तराखंड सरकार राज्य की वीरांगना रही तीलू रौतेला के सम्मान में हर साल प्रदेश की महिलाओं को तीलू रौतेला पुरस्कार से सम्मानित करती है। इसी क्रम में हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं को पुरस्कार दिया जाना है, जिसके लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं से आवेदन मांगे थे। इस साल के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई रखी गयी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया गया है। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि तीलू रौतेला पुरस्कार के आवेदन की अंतिम तिथि को 12 जुलाई से कर 17 जुलाई कर दिया है। प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। पिथौरागढ़ पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। एक अनाथ कन्या को पहले गोद लिया और मंगलवार को उसकी पूरी रीति रिवाज के साथ शादी करा दी गई। पुलिस के जवानों ने अनाथ लड़की की धूमधाम से शादी कराकर उसे ससुराल के लिए विदा किया। पुलिस के इस नेक कार्य की सराहना हो रही है। जानकारी के अनुसार प्रतिसार निरीक्षक नरेश चंद्र जखमोला को कुछ समय पहले शहर में एक मंदिर के पास पुष्पा नाम की एक लड़की मिली थी। वो काम की तलाश में पिथौरागढ़ आई थी। नरेश चंद्र जखमोला ने लड़की को गोद लेने की पहल की। उन्होंने
इसकी जानकारी एसपी रेखा यादव और सीओ परवेज अली को दी थी, जिसके बाद उनकी ओर से ये नेक काम किया गया है जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने दृष्टि आई ड्रॉप समेत अपने 14 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इस साल अप्रैल में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निलंबित किए थे। कंपनी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। कंपनी ने जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन 14 उत्पादों के सभी विज्ञापन वापस लेने के निर्देश दिया गया है और देश भर में 5,606 फ्रेंचाइज स्टोर को इन उत्पादों को वापस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook और Insta पेज के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।